क्योंकि जहां जहां पाँव पड़े संतन के तहीं तहीं बनता थार। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। इस्तीफा देते ही सियासी प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। गब्बर कहे जाने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की बात करें तो उन्होंने कहा कि कैप्टन इस्तीफे की कथा तो उसी दिन लिखी गई थी जब कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। विज ने मुस्कुराते हुए तंज कसा कि जहां जहां पैर पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे से सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। सब कैप्टन ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए थे, क्योंकि जहां जहां पाँव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटा धार। सब 5 महीने बाद चुनाव भी होने वाले हैं पंजाब में, क्या लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी को तो फायदा हर हालत में होगा। पंजाब की जो स्थिति है, पंजाब में जिस प्रकार से बाकी राजनीतिक पार्टियों का पतन हो रहा है, उससे केवल राष्ट्रीय पार्टी पंजाब में जो है वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ होगा। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में सियासी हलचल के बीच अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।